उसमें कौन सा पार्ट किस टेस्ट को रिसीव करता है, किसमें कौन सी टेस्ट पार्ट पाई जाती है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये रही हमारी टांग, ह्यूमन डाइजेशन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये हमारी टंग का स्ट्रक्चर रहा, ये ह्यूमन टंग रही। और ह्यूमन टंग में जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनको हम टेस्ट बड कहते हैं, है ना, टेस्ट बड कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम अपने टीथ को, सॉरी, अपनी टंग को ओपन करके ऐसे स्ट्रेच करके देखते हैं, तो ये स्मूथ नहीं दिखाई देती, ये कुछ थोड़ी सी जिगजैग रफ टाइप की मैट इफेक्ट टाइप का दिखाई देता है, आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एक्चुअली वो इसलिए होता है कि उसमें छोटे 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 कुछ पैपिला लाइक स्ट्रक्चर है, आउटग्रोथ है कुछ, जिनको अपन टेस्ट बड कहते हैं। टेस्ट बड वो होते हैं जिनमें कुछ न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, वो पर्टिकुलर टेस्ट को सेंस करते हैं, सेंस करने के बाद वो हमारे फ्रंटल लोब, जो हमारा आगे वाला जो ब्रेन पार्ट है जिसको हम फ्रंटल लोब बोलते हैं, उस फ्रंटल लोब तक पहुंचाती है। फ्रंटल लोब में एक पर्टिकुलर पास्ट होता है, पार्ट होता है जो टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। इस तरह से हमारी बॉडी, हमें हमें टेस्ट का सेंस होता है कि पर्टिकुलर चीज का क्या टेस्ट है ना। तो नॉर्मली ये जो सबसे आगे वाला पार्ट है ना, जो हमारी ये टंग के टिप वाला पार्ट है, ये स्वीट टेस्ट को रिसीव करता है, स्वीट। और थोड़ा सा मैं और इसको थोड़ा और क्लियरली बना दूं, इसमें ये इसका पेरिफेरल पार्ट हो गया और ये हमारी टंग का इनर वाला पार्ट, ये इनर वाला पार्ट। तो ये स्वीट टेस्ट को परसीव करता है और ये सॉल्ट को, सॉल्टी टेस्ट को परसीव करने का काम करता है, और ये वाला पार्ट सॉर पार्ट को, है ना, सॉर पार्ट को। और माना जाता है कि जो पीछे वाला पार्ट है ये बिटर टेस्ट को परसीव करने का काम करता है, बस आपको इतना याद। लेकिन अब यहीं पर मैं कुछ एड ऑन करना चाहता हूँ। आज की डेट में जो मॉडर्न साइंटिस्ट का मानना है, ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक चलता आ रहा है एट पर, लेकिन अभी भी ये बुक्स में एग्जिस्ट करता है, ये जो मैंने आपको बताया, इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन बुक। और अगर लास्ट 2 ईयर से छोड़ दो, कि इसके पहले के जितने पेपर्स हैं, है ना, उनमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब इवन इस चेंजेस के आने के बाद। लेकिन करेंटली ऐसा माना जाता है कि हमारे टंग की हर टेस्ट बर्ड, हर टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है, मतलब बिटर, सॉर, सॉल्ट और स्वीट को परसीव करने वाले, इनको रिकॉग्नाइज करने वाले, टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने वाले जो टेस्ट बर्ड हैं, वो अलग अलग पार्ट में नहीं पाई जाती, बल्कि हर टेस्ट बर्ड के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर। ठीक है ना, मेरी बात आप समझ गए? यस सर, चलिए यस नोट सर, कीजिए, इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक, यस हाँ जी बेटा बोलो, आवाज नहीं आई आपकी, क्या कहते हैं? सर, मैं कहता हूँ थोड़ा सा लिखना है सर, बस रह गया। हाँ ठीक ठीक कोई नहीं, कोई। ठीक है, तो देखो हमारी जो टेस्ट बर्ड है ना, तो अब इसके नीचे आप एक चीज लिखिए, इन जनरल, करेंटली, इन जनरल, करेंटली इट इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय, करेंटली इट इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट that all taste buds of the tongue
all taste buds of the tongue. Sir, could you please repeat? Currently, in general, currently, it is widely accepted by the scientists that our all taste buds have capability to perceive each kind of taste. There is no separate areas to recognize particular taste. There are no separate areas to recognize particular taste. So there is no separate areas to recognize particular taste. अब देखिए हम लोगों ने ये देखा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि इंसीजर पाए जाते हैं, कैनाइन पाए जाते हैं, और ये इतने इतने हमारे ये पाए जाते हैं, कितने सारे टीथ पाए जाते हैं, किसका क्या फंक्शन होता है, किसमें क्या डेवलप, कौन कार्निवोर में ज्यादा डेवलप होते हैं, और कौन होते हैं जो डेवलप होते हैं हर्बीवोर्स में, ये सब चीजें हमने डिस्कस की. और मैंने आपको डेंचर फॉर्मूला भी बताया कि किसी भी एडल्ट में डेंचर फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी इन्फेंट में क्या होता है, किसी बच्चे में क्या होता है ना, किड्स में क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा. एक और बात समझ लेते हैं, है ना. सो ह्यूमंस की अगर बात की जाए, सो हम ये कहते हैं कि ह्यूमंस आर डाई फायोडोंट. क्या मीनिंग होता है इसका, मतलब क्या होता है? सर, टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी. राइट, वेरी गुड. तो हमारे टू सेट्स, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि हमारे पास एक तो वो टीथ होते हैं जो परमानेंट होते हैं, मतलब कि वो लाइफ में एक ही बार आते हैं, है ना, परमानेंट. और दूसरे हमने कहा था कि डेसीडुअस होते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं ना, डेसीडुअस. तो डेसीडुअस वो होते हैं मिल्क टीथ. तो नोट करेंगे, ह्यूमंस आर डाइफायोडोंट. Humans are diphyodont. As they have two sets of teeth. They have two sets of teeth. In their life span. They have two sets of teeth in their life span. Deciduous or milk teeth. And Deciduous or milk teeth and permanent teeth. Next point. Humans are chicodont. अब इसका क्या मतलब हुआ? Humans are chicodont. बताओ भाई. Sir, teeth embedded होते हैं. वेरी गुड. देखो इसमें क्या है कि थीकोडोंट का मीनिंग क्या हो गया, हम बात करते हैं कि जैसे ये मान लेते हैं कि ये हमारा जॉ है ना, ये हमारा जॉ है, तो हमारे जॉ के अंदर एक पर्टिकुलर ऐसे सॉकेट बने होते हैं, है ना. इन्हीं सॉकेट के अंदर हमारे जो टीथ होते हैं वो फिट होते हैं, मतलब कि ये हमारे बोन से फ्यूज नहीं होते, ये जो टीथ हैं ये फिट होते हैं, है ना. इसीलिए क्या होता है कि उखड़ भी जाते हैं चोट लगने में, टूट भी जाते हैं और निकल भी आते हैं. ठीक है, तो क्या मतलब होता है, क्या किसी में फ्यूज भी होते हैं क्या? देखो इसीलिए हमारे जो जॉज है ना उतने मजबूत नहीं है. ठीक है, क्योंकि लाइक वी आर थीकोडोंट, तो हमारे ये टीथ सॉकेट में फिट हैं,
शार्क के मुंह में अगर कोई चीज चली गई तो वो वापस नहीं आ सकती, उसे अंदर ही रह जाना है, मतलब उसे कट ही जाना है। उनके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। शार्क का जो जॉ होता है वो क्रोकोडाइल प्रेशर ज्यादा इम्पार्ट कर सकता है, लेकिन शार्क का जो जॉ होता है उसे पावरफुल नहीं होता है, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि जो शार्क होती हैं उनमें जो उनके टीथ होते हैं वो उनके जॉ में एम्बेडेड नहीं होते, वो उनके जॉ में फ्यूज्ड होते हैं, मतलब कि वो बोन से ही फॉर्म होते हैं टीथ, राइट। इसीलिए वो पूरे सॉ की तरह होते हैं और आगे से पीछे तक बहुत सारे टीथ होते हैं और वो कभी भी टूट के अलग नहीं होते, है ना। तो ये डिफरेंस है हमारे टीथ में और शार्क के टीथ में, राइट। नोट करिए, टीथ आर एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स teeth are embedded in a socket of jaw bone. Next, they are heterodont. Teeth are heterodont. That is, humans have different type of teeth. अलग अलग हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है. Humans have different type of teeth. एक आखिरी पॉइंट और नोट कर लीजिए टीथ में. Teeth are 32 and usually complete by teeth are 32 and usually complete by the age of 18 to 25. Full stop. Milk teeth, इसी में कंटिन्यूअसली लिखे, milk teeth usually begins to erupt. बच्चों के दांत कब निकलने शुरू हो जाते हैं? Milk teeth are usually begins to erupt at the age of 6 months. Milk teeth begins to erupt at the age of 6 months and it should complete by the end of 24th month. And it should complete by the end of 24 month. मतलब कोई बच्चा अगर पैदा हुआ तो छठे महीने के बाद उसके दांत निकलना शुरू हो जाने चाहिए और 24 महीने हो जाने के बाद 24 मतलब 2 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसके पूरे 20 दांत निकल आने चाहिए। ऐसा नहीं है तो मतलब नॉर्मल नहीं है, ठीक है। एबनॉर्मली मतलब टीथ का डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो रहा है ना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं टीथ का कॉम्पोजिशन, टूथ का कॉम्पोजिशन कैसा होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, खैर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर आपने ना सर स्टार्टिंग में लिखवाया था कि उसके अंदर कोई सेपरेट एरिया नहीं होता है टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, बट सर डायग्राम में तो सर आपने बताया था कि मैं दोनों चीज मैंने बता दी एक्चुअली, है ना, कि कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअली क्या है कि जो पुरानी बुक जितनी भी ओल्ड बुक है ना जो रिवाइज नहीं हुई है ना, बहुत सारी ऐसी बुक्स है जिनमें रिविजन नहीं हुआ, रिवाइज नहीं हुई, जो अपडेटेड ही नहीं है, ठीक है। तो उन बुक्स में सब में दे रखा है कि यहाँ से, तो कई बारी क्वेश्चन मैंने देखा कि पिछले 2 साल पहले तक ये क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा एरिया किस टेस्ट को, अगर वैसा क्वेश्चन नीट में आ जाए तो आपको पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से जवाब दे देना है ना, काम खत्म, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन में आ जाए कि ऑल टेस्ट बर्ड्स कैन रिसीव, तो फिर ये ज्यादा सही आंसर होगा, समझ आया ना। तो अब आपको देखना होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है ना।
क्योंकि कुछ बुक्स में क्या है ना, कुछ बुक्स में ऑलरेडी दे रखा है, तो जो हायर बुक्स हैं मास्टर्स मास्टर्स की बुक में उनमें लिखा हुआ है ठीक है कि कोई भी टेस्ट बट किसी भी टेस्ट को रिसीव कर सकती है मास्टर, लेकिन जो ट्वेल्थ वाली बुक्स हैं हेल्पिंग बुक्स हैं उनमें भी नहीं लिखा हुआ कई बार, और वो डायग्राम के साथ में दिया हुआ है, तो वो दोनों कॉन्सेप्ट पैरेलली अभी चल रहे हैं है ना, तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए, ये मेरा पर्पस है बताने का ठीक है। ओके ये रहा हमारे टूथ की एनाटॉमी ना, ये हमारा ये टिश्यू लेवल स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ये ऊपर जो कैप लगी हुई है ना इसको अपन कहते हैं इनेमल ठीक है। इनेमल को हम लोग कहते हैं, जैसे मैंने इनेमल को हम लोग कहते हैं दिस इज द हार्डेस्ट एनिमल सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि विच इज द हार्डेस्ट बायोलॉजिकल सब्सटेंस ऑन द अर्थ, विच इज द हार्डेस्ट बायोलॉजिकल सब्सटेंस ऑन द अर्थ, जल्दी बताओ इतनी देर में लिखो। सर एनिमल। बेटा मैं बता चुका हूं दोनों चीजें, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि किसको किसको याद है सर क्या, और आप देखना हार्डेस्ट बायोलॉजिकल, बताओ भाई जल्दी बताओ। सर स्नेल के नहीं, देखो अब मैं यहीं पे वो पूरा क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। देखो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हार्डेस्ट और टफेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल या सब्सटेंस है ना ऑन द अर्थ, तो भाई साहब अब जब हार्डेस्ट बायोलॉजिकल की बात की जा रही है तो यहां प्लांट और एनिमल दोनों को काउंट करेंगे, है कि नहीं। बायोलॉजिकल सब्सटेंस प्लांट प्लांट एनिमल क्या, हम प्लांट एनिमल बैक्टीरिया और फंजाई और प्रोटिस्टा सबको काउंट है ना एक्सेप्ट वायरस, तो भाई साहब इसका आंसर होगा स्पोरोपोलिनिन। याद आया कहां पाई जाती है, अरे भाई पढ़ाई नहीं हो रही बिल्कुल, स्पोरोपोलिनिन पॉलन ग्रेन के ऊपर पाई जाती है, याद आया पॉलन ग्रेन की अपर लेयर जो एक्साइन होती है, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा, हे प्रभु समझो बात को और याद रखो और इसको ड्रॉ करो, आलस बिल्कुल नहीं करो, ये जो पॉलन ग्रेन होता है तो पॉलन ग्रेन की जो अपर लेयर होती है वो स्पाइनी होती है, पॉलन ग्रेन तो समझते हो ना सब लोग, तो पॉलन ग्रेन की भाई साहब ये जो अपर वाली लेयर होती है इस अपर लेयर को हम लोग कहते हैं एक्साइन है ना, ये आप स्पाइनी लेयर होती है इसको बोलते हैं एक्साइन, और इसके अंदर जो दूसरी लेयर मैंने बनाई इसको कहते हैं इंटाइन ठीक है इंटाइन। एक्चुअली ये जो एक्साइन होती है ना तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं ना ही आप इसको जला सकते हैं, ये फायर प्रूफ होती है, टेम्परेचर प्रूफ होती है, केमिकल प्रूफ होती है, एसिड प्रूफ होती है ना, ये टफेस्ट बायोलॉजिकल सब्सटेंस है मतलब अर्थ ठीक है। अगर पूछा जाए हार्डेस्ट एनिमल मटेरियल ऑन द अर्थ तो इसमें क्या होगा, हार्डेस्ट बायोलॉजिकल और हार्डेस्ट प्लांट मटेरियल ऑन द अर्थ, तो भाई साहब उसका आंसर होगा क्या, स्पोरोपोलिनिन। कहां पाई जाती है, एक्साइन में पाई जाती है, और किसके एक्साइन में पाई जाती है, पॉलन ग्रेन ठीक है। लेकिन yes. अब क्वेश्चन एक्चुअली नीट में दोनों आ चुके हैं इसलिए मैं आपको दोनों चीजें एक ही साथ बता रहा हूं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि हार्डेस्ट एनिमल सब्सटेंस ऑन द अर्थ तो तब भाई साहब आपका मटेरियल क्या होगा, तब आपका क्या होगा आंसर, एनिमल। ये दोनों क्वेश्चन सेपरेटली पूछे हुए, जल्दी लिखो फिर आगे की बात करेंगे, क्लियर है ना। yes. तो चाहे पूछा जाए हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल, चाहे हार्डेस्ट प्लांट मटेरियल है ना, और फिर क्या बोलते हैं, और अगर पूछा जाए कि हार्डेस्ट ये एनिमल सब्सटेंस तो आपका आंसर एनिमल, नोट कर लिया।
यस वेरी गुड, पूछते जाना जिसको जहां जहां पे डाउट हो, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग आ जाते हैं इस टूथ की एनाटॉमी है। तो नॉर्मली ये तो आप टूथपेस्ट के एडवर्टीजमेंट में देखते रहते वाला दांत, ये ऊपर वाले पार्ट को अपन क्राउन कहते हैं, जो अपने गम्स के बाहर दिखाई देता है, बीच वाला पार्ट नेक हो गया, नीचे वाला पार्ट रूट हो गया, है ना। अब हम लोग इसका ये एलएस देख रहे हैं, लेटरल सेक्शन है इसका, एलएस है ना, ये आप टूथ का एलएस देख रहे हो। तो इसके एलएस में देखो, ये ऊपर वाला जो कैप व्हाइट कलर का बना हुआ, ये एनामेल से बना हुआ। एनामेल इज हार्डेस्ट पैथोलॉजिकल सब्सटेंस ऑन द अर्थ, हार्डेस्ट एनिमल सब्सटेंस ऑन द अर्थ। एनिमल के नीचे आप एक मटेरियल देख रहे हैं, इसको हम डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन क्या है? ये डेंटाइन इसके नीचे का पार्ट है जिसके अंदर ये पल्प मटेरियल है। अभी जो पल्प कैविटी है ना, इस पल्प कैविटी में आप देखेंगे कि ये देखो नर्व्स भी हैं और ब्लड वेसल्स भी हैं, मतलब इनमें सेंसिटिविटी पाई जाती है। ये हो गए गम्स, है ना, और ये इसकी हो गई रूट कैनाल, है ना, और ये वाला पार्ट हो गया बोन। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सीमेंट पाया जाता है, इसको हम सीमेंट ही बोलते हैं, ये टूथ को चिपका करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टूथ का स्ट्रक्चर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको पॉइंट्स लिखवा दूँ। नोट करिए, एनामेल इज द हार्डेस्ट substance of the human body, enamel is the hardest substance of human body, full stop. It covers the dentine and make crown. It covers the dentine and make crown. Next point. Cement covers the root of tooth. Cement covers the root of tooth. Next point. और नोट करें, पल्प कैविटी कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। पल्प कैविटी कंटेन नर्व्स एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो यहां तक की बात हो गई, क्लियर भाई? Yes. आप देखो, हाँ जी, आप चलो, हम लोग देखो, मैंने आपको डाइजेस्टिव पार्ट पढ़ा, अब मैं एक एक पार्ट को कवर करता हूँ, ठीक है। अब चलिए, देखो अब एक एक पार्ट को हम लोग कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, हमारा जो ये वाला पार्ट होता है ना, माउथ वाला पार्ट है ना, इसको आप माउथ पार्ट बोलते हो, या आप, हम लोग इसको ओरल कैविटी भी कह लेते हैं कई बारी। फिर उसके बाद हम लोग ग्लैंड्स पढ़ेंगे, बस फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि हमें से मैक्सिमम लोगों में 3 रूट पाई जाती हैं, कुछ लोगों में एक्सेप्शनल 4 रूट होते हैं, बस इतना ही, और कोई फर्क। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ ना, जब ये निकलेगा ना, ये वाला क्या मोलर और प्री मोलर, ये वाला पीछे वाले, ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ये अरे ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमारा माउथ है ना, तो
माउथ में आप देखो यहाँ पे जो स्पेस है इसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं, ये हमारी टंग वाला पार्ट होता है, ये फ्यूज होता है ना, टंग ये टीथ वाला पार्ट हो गया है ना, और टीथ के नीचे आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की तरफ ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, और नीचे की तरफ मैंने आपको बताया था पैरोटिड हमारी ऊपर की तरफ होती है, यही जब इनमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन होती है, इसी को आप मम्स कहते हैं, है ना, जब हमारी पैरोटिड कैविटी सलाइवरी ग्लैंड जो होती है इन्फेक्टेड हो जाती है, इनको हम मम्स कहते हैं। नीचे वाला पार्ट आप देखेंगे कि ये जो जीभ के नीचे मतलब टंग के नीचे जो पाई जाती है उसको हम सब लिंगुअल, लिंगुआ मीन्स टंग ही होता है, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। इसी तरह से इसके नीचे जो हमारे यहाँ पे पीछे की तरफ पाई जाती है इसको हम मैंडिबल, मतलब ये थोड़ी वाला पार्ट मैंडिबल है ना, चिन वाला पार्ट, तो मैंडिबल के पीछे वाले को हम लोग सब मैंडिबल सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से फूड यहाँ तक आता है, और यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे कि देखो ये हमारा मुंह हो गया और ऊपर से ये नोज वाला पार्ट हो गया, यहाँ तक पूरा वाला पार्ट ऑफ फेरिंग्स कहलाता है, इसमें दोनों ही पार्ट क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो नोट करेंगे, फेरिंग्स एंड फेरिंग्स मतलब ये वाला पार्ट, फेरिंग्स एंड ओरल कैविटी, तो ये हो गया फेरिंग्स मतलब, और ये वाला ओरल कैविटी, फेरिंग्स एंड ओरल कैविटी ओपन इनटू अ कॉमन सेक्शन विच इज मेंट फॉर बोथ फूड एंड एयर। अब देखो इसके नीचे वाला जो सेक्शन है ये वाला पार्ट, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये एक पॉइंट बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, यहाँ पे एक पॉइंट निकला हुआ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एपिग्लॉटिस कहते हैं, मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं यहाँ पे ये जो पार्ट इस तरह से निकला हुआ होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, एक कर्टन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जब हम खाना खाते हैं एपिग्लॉटिस है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या होता है, ये हमारा एपिग्लॉटिस ये हमारा क्या होता है, कर्टन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब हम खाना खाते हैं फूड हमारे इस फूड पाइप में जाता है तो ये क्या करता है, विंड पाइप को ब्रेक कर मतलब ब्लॉक कर देता है, जिससे कि क्या होता है, खाने का कोई भी पार्टिकल या पानी का कोई भी पार्टिकल हमारे ये विंड पाइप में ना जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर नहीं करेगा तो विंड पाइप में लंग्स में खाना जा सकता है, और कभी कभी कई बार क्या होता है कि आप खाना खाते समय बात करने लगते हो या खाना खाते समय हंसने लगते हो या आपको खांसी आ गई, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये पर्दा हिल जाता है ना, ये कर्टन हिल जाता है, और इस कर्टन के हिलने की वजह से फूड के या फिर वाटर के जो ड्रॉपलेट होते हैं वो हमारे विंड पाइप में चले जाते हैं, जिससे हमारी हमें खांसी आना स्टार्ट हो जाता है, इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है, और इससे आदमी मर भी सकता है, ये भी बता दूं। तो एक्चुअली होता है, ऐसा क्यों होता है, मैं रेस्पिरेशन वाले पार्ट में इसको कवर करूंगा थोड़ा सा, तब तक के लिए आपसे बता देता हूँ कि यहाँ पर अब देखो यहाँ से क्या होता है कि पहले क्या होता है, विंड पाइप आगे होता है और फूड पाइप पीछे होता है, थोड़ा सा और नीचे जाने के बाद फिर फूड पाइप आगे आता है और विंड पाइप पीछे चला जाता है, ऐसा होता है प्रैक्टिकली। अब यहाँ पर विंड पाइप पे हमारे पतले पतले छोटे छोटे, हम लोग पूरा एनिमल टिश्यूज पढ़ ही चुके हैं तो आपको सबको पता है, यहाँ पर सीलियरी एपिथीलियम पाए जाते हैं, है ना, आप तो आपको पता ही है। अब सीलियरी एपिथीलियम क्या करते हैं कि जैसे कोई भी स्मोक का पार्टिकल होता है, डस्ट का पार्टिकल होता है, कोई एक्सटर्नल पैथोजन होता है, तो ये क्या करते हैं, जैसे हमारी नाक के थ्रू जाता है तो पहले तो यहाँ पे म्यूकस उसको चिपका लेता है, फिर भी अगर चला गया तो ये क्या करते हैं, अपोजिट ऐसे रिदमिक मूवमेंट करते हैं जिससे कि हमको खांसी आती है और हम कफ के साथ में उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तो एक तरह की डिफेंस मैकेनिज्म। तो जब फूड का पार्टिकल या कोई भी वाटर का पार्टिकल चला जाता है तो ये सीलरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है जिससे हमको खांसी आती है, ऐसा होता है। आप ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से जो आपका नीचे की तरफ ये जो पार्ट गया हुआ है, इस पार्ट को या जो पाइप गया हुआ है, इस पार्ट को हम अपन ईसोफेगस बोलते हैं, ईसोफेगस, नोट करिए, ईसोफेगस और फूड पाइप, ईसोफेगस और फूड पाइप इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ईसोफेगस और फूड पाइप इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, फुल स्टॉप,
इट लाइज बिहाइंड ट्रैकिया, इट लाइज बिहाइंड ट्रैकिया एंड द हार्ट, इट लाइज बिहाइंड ट्रैकिया एंड द हार्ट। अभी जो मैंने आपको लेंथ बताई इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन नीट पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसोफेगस की लेंथ कितनी होती है। ठीक है, इसोफेगस पासेस थ्रू डायफ्राम, इसोफेगस पासेस थ्रू डायफ्राम, हमने देखा हुआ था लास्ट टाइम डायग्राम में, इसोफेगस पासेस थ्रू डायफ्राम एंड ओपन्स इनटू स्टमक, एंड ओपन्स इनटू स्टमक। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको अब स्टमक का डायग्राम दिखाता हूं। हेडिंग डालिए स्टमक। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का मॉर्फोलॉजी क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कि कौन कौन सी ग्लैंड किससे क्या सीक्रेट होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन और मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड और डाइजेशन पढ़ेंगे साथ में, फिर आखिरी में पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है सर, इसकी हेडिंग क्या है? ये था मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ये माउथ। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग है स्टमक। तो देखो मैं स्टमक वाला पार्ट आपको पहले दिखा, अब देखो स्टमक को भी हमने कई सारे पार्ट में डिवाइड किया। हमारा स्टमक ऐसे होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ईसोफेगस आता और स्टमक में ओपन हो जाता है। ठीक है भाई, सही बात है, ईसोफेगस आया स्टमक में ओपन हो गया। अब देखो ये हमारा थोड़ा सा कर्व शेप जो होता है ये स्टमक। अब स्टमक को हम कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको हम फंडस कहते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हो गया फंडस। फंडस वाला पार्ट एक्चुअली क्या होता है, इसमें गैस ही भरी होती है ना, तो गैस ही भरी होती है और कई बार इंडाइजेशन होता है तो जो गैस का फॉर्मेशन होता है इसी पार्ट पर। उसके बाद दूसरा वाला पार्ट जो होता है कार्डियक, एक्चुअली हार्ट के पास होता है इसलिए पार्ट को हम कार्डियक बोलते हैं। मेन जो डाइजेशन जहां पर होता है और मेन जो पार्ट होता है उसको हम बॉडी कहते हैं, ये थर्ड पार्ट। ठीक है, और उसके बाद जो फोर्थ पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ पार्ट को हम लोग बोलते हैं पाइलोरस, है ना। तो ये पाइलोरस हमारा ये फोर्थ पार्ट है, राइट। तो स्टमक को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरस। ये कर्व है, यहाँ से ऐसे कर्व होता है, एक तरफ ज्यादा कर्व होता है एक तरफ लेसर कर्व होता है ना। और इस पॉइंट को जहां पर आकर के पॉइंट टू बी नोटेड दैट इस पॉइंट को जहां पर आकर के आपका ईसोफेगस और स्टमक जॉइंट होते हैं उसको हम गैस्ट्रो ईसोफेगल जंक्शन कहते हैं, है ना। तो ये गैस्ट्रो ईसोफेगल जंक्शन हो गया, राइट। और यहाँ के बाद से फिर आपके पाइलोरस के बाद से फिर आपका स्टार्ट हो जाता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, ये वाले पार्ट से इसके आगे से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, जो जे शेप पार्ट बनता है और फिर उसके बाद वो ड्यूडेनम जियोजेनम करके, है ना, वो आगे वाला पार्ट स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए नोट करिए, स्टमक, स्टमक इज अ जे शेप स्ट्रक्चर, जे शेप स्ट्रक्चर curved in shape, let's talk, it have four part. Sir, could you please repeat? Stomach is a J-shaped structure. It is slightly curved in shape. Full stop. It have four part. First cardiac. Full stop. First cardiac. Which is near to heart. Full stop. Second. Fundus, which is filled with second fundus, which is filled with
एयर और गैस, फुल स्टॉप. थर्ड बॉडी विच इज मेन पार्ट ऑफ स्टमक, फुल स्टॉप. फोर्थ पाइलोरस विच इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, विच इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक. Next point. The function of stomach is to churn. Function of stomach is to churn and break food. Break food. Churn and break food, comma. It mixes. The pieces with gastric juice, it mixes the pieces with gastric juice, full stop. Partial digestion of food like protein and fats takes place here. अगला जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप स्टार बना के लिखिएगा. ये मेडिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका. तो एक चीज होती है यहां पर जो स्टमक प्रोड्यूस करता है, जिसका कि डाइजेशन से लेना देना स्टमक में नहीं होता, लेकिन ये कहीं और काम करता है. उसका नाम है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर. ये स्टमक में ही बनता है. काम ये करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन B12, जिसको कि अपन साइनोकोबेलम है, तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प. नोट करिए, कैसल इंजिन इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक विच इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विच इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 in small intestine. Next point. It secrete some proenzyme. Proenzyme क्या होते हैं? It secrete some proenzyme. कौन बताएगा proenzyme क्या होते हैं? अरे प्रोएंजाइम क्या होते नहीं पता सर? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम. वेरी गुड, हम लोग पढ़ चुके हैं बायोमॉलिक्यूल में भाई, आप सबको याद होना चाहिए. इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम हम लोगों ने पढ़ चुका है. प्रोएंजाइम पूरा मैं आपको एंजाइम वाले नोट्स दे चुका हूँ, याद है ना? नोट करेंगे. प्रोएंजाइम्स लाइक पेप्सिनोजन, प्रोनेनिन. प्रोएंजाइम pepsinogen and prorenin and enzyme lipase and gastric amylase. Proenzyme pepsinogen and prorenin. Kisi ko spelling mein dikkat ho batana, bata dunga. Proenzyme like pepsinogen, main likh hi deta hu, pepsinogen and prorenin. Proenzyme like pepsinogen and prorenin
एंड एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज आर सीक्रेटेड बाय हिस्टमा. वन लास्ट थिंग, अब देखता हूं आप में से कौन इस क्वेश्चन का आंसर बता देता है. हमारे स्टमक से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उस हार्मोन का नाम बताओ. हार्मोन्स तो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, कोई बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रिन. देखो एक गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, वो स्टमक से रिलीज होता है. गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है कि इससे निकलने वाले, स्टमक से निकलने वाले एंजाइम को कंट्रोल करने का. जब फूड यहाँ पे मौजूद नहीं होता स्टमक में तो एंजाइम्स को नहीं निकलने देता, बोलेगा भाई अभी रहो, रुको, तुम्हारा कोई काम नहीं. अभी जब आप खाना खा लोगे तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा एंजाइम से कि अब आपका काम आ गया, आप सीक्रेट होना स्टार्ट करो. ठीक है, तो कब एंजाइम्स को, भाई अगर खाली स्टमक में, मतलब एम्प्टी स्टमक है और वहां पे एंजाइम सीक्रेट, तो एंजाइम का वेस्टेज होगा, एनर्जी का वेस्टेज होगा पूरी बॉडी में. दूसरा क्या होगा, वो एंजाइम जाके एसिडिटी कॉज करेंगे और आपका स्टमक खराब हो जाएगा, स्टमक की वॉल्स खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएगी, है ना. तो ऐसा ना होने पाए, तो एंजाइम का तभी सीक्रीशन हो जब इनकी रिक्वायरमेंट हो. ये कंट्रोल करने का काम गैस्ट्रिन करता है, और गैस्ट्रिन हमारा इसी स्टमक की वॉल के अंदर से रिलीज होता है. हम लोग पढ़ेंगे अभी जब ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाऊंगा ना, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, कहां से सीक्रेट होते हैं वो भी मैं बताऊंगा. ठीक है, नोट करेंगे. गैस्ट्रिन, इट ऑल्सो सीक्रेट गैस्ट्रिन हार्मोन विच कंट्रोल, इट ऑल्सो सीक्रेट गैस्ट्रिन हार्मोन विच कंट्रोल्स सीक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम. ठीक है भाई? Yes, sir. अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन. स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं हटा दूं इसको. ठीक है. Yes. अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ जाते हैं. अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो तो सिंपल है, बिल्कुल पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं. मुझे एक से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिखाता हूं. स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने आपसे बताया कि यहाँ से स्टमक खत्म और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे स्टार्ट होता है ना. और स्टमक के बाद अब अच्छा एक बात और बता दो, यहाँ पे हमारे ईसोफेगस से यहाँ पे एक वॉल लगा होता है, फिर यहाँ पे एक वॉल लगा होता है, क्या बोलते हैं, एक यहाँ वॉल लगा, फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से मिलती है, यहाँ पे एक यहाँ वॉल लगा होता है, और एक यहाँ पे जहां से फूड इजेक्ट होता है यहाँ पे वॉल लगा होता है. तो इतनी जगह प्रॉपर वॉल लगे होते हैं, एक ये वॉल होता है, दूसरा ये वॉल होता है. तो एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जब ये फूड जाता है तो यहाँ पर वॉल क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि फूड को जाने से चेक करते हैं, है ना, रोकते हैं, है ना. तो ये कॉमन एक ऐसा सिंपल पाइप नहीं है, ये पाइप है जिसमें चार जगह पे चेक वॉल्स लगे हुए हैं, है ना. क्या कहते हैं उनको सर? स्फिंक्टर. सर म्यूकोसा. स्फिंक्टर कहते हैं बेटा, स्फिंक्टर. दे आर कॉल्ड इस
स्फिंक्टर, है ना। तो ये क्या होती है, ये स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। तो स्फिंक्टर मसल्स क्या होती हैं, जब इनमें एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये अपने आप ओपन हो जाती है ना। तो स्फिंक्टर मसल जहां जहां पे हमारे चेक वॉल्स लगे हुए हैं पूरी बॉडी में, सब जगह ये मसल्स पाए जाते हैं, इनको स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। चलो नोट करो, कितने लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, है ना। कितने, पहला है डुओडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। नोट करिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड स्मॉल बिकॉज, स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड स्मॉल बिकॉज इट हैव, because it have a small diameter, full stop. It is about 6.25 meter in length. कई बार फिट में लिखा होता है आंसर, ब्रैकेट में लिख लो 21 to 23 feet. 21 to 23 feet, full stop. अच्छा एक बात और बताओ, लॉयन की हमारी और डियर की स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंस क्या है? देखो सर, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट होती है। ओके, और हमारी बड़ी, देखो हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन हमसे बड़ी हो और कॉर्निवोर की हमसे छोटी हो, ये आइडिया लेकर था। हमेशा किसी भी हर्बीवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन हमसे आपसे, हम ओमनीवोर है, हमसे आपसे बड़ी होगी, लॉन्ग हो, और कॉर्निवोर की जो होगी उनसे आपसे छोटी होगी। नोट करो, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज यूजुअली लॉन्गर इन हर्बीवोर्स, स्मॉल इंटेस्टाइन is usually longer in herbivore and shorter in carnivore. Next point. It is made up of three parts: duodenum, jejunum, and ileum. It is made up of three parts: duodenum, jejunum, and ileum. नेक्स्ट वन, ये बेटा लिखा हुआ ना, ये देखो, ये डुओडेनम है ना, जेजुनम दूसरा पार्ट हो गया और इलियम थर्ड पार्ट। डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। नेक्स्ट पॉइंट, डुओडेनम इज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करेंगे, डुओडेनम इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, duodenum is 25 centimeter long, it is shortest and widest part, it is shortest and widest part. Full stop. Next point, jejunum is middle part, jejunum is middle part and about 2.5 meter long, and about 2.5 meter long. Next, ileum have 3.5 centimeter diameter. पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी, अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कितना होता है, तो भी आपको ये आंसर टिक करना है 3.5 सेंटीमीटर। ileum have 3.5 सेंटीमीटर diameter and 3.5 meter long.
it is the longest part of small intestine. It is the longest part of small intestine. Next point. Note करके लिखेंगे इसी में small intestine में note करके लिखेंगे important हो. In some places, particularly in ileum, Sir, could you please repeat? In some places, particularly in ileum, there are nodule cluster. These are called Peyer's patches. Nodule cluster. These are called Peyer's patches. Or lymph nodule. Peyer's patches or lymph nodules. They are responsible for WBC production. They are responsible for WBC production. तो ileum को ऐसे recognize करते हैं, ये जो नीचे ileum वाला part होता है, ये आपस में एक पतली membrane से जुड़ी हुई होती हैं। इस पतली membrane में छोटी-छोटी nodules या गांठें पाई जाती हैं। इन nodules या गांठों को Peyer's patches बोलते हैं। ये Peyer's patches actually lymph nodules हैं। इन्हीं Peyer's patches या lymph nodule के अंदर WBC mature होती है और वो immunity को maintain करने का काम करती है. So, कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि Peyer patches are responsible to maintain the immunity and actually they are located in basically the ileum part of our small intestine. Clear है? Yes, sir. Next. The inner surface of small intestine have finger-like projections called villi. The inner surface of the small intestine have finger-like projection called villi, which increases the surface area for absorption. Next. Small intestine में एक चीज़ लिखो. The digestion completes in the small intestine. Digestion completes in the small intestine. अगला पॉइंट फिर से स्टार बना के लिखिए. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने आपको स्टमक में बताया था, यहां पर आपको फिर से स्टार बनाना है. नोट करेंगे. स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट सर्टेन हार्मोन कोलियोसाइटोकाइनिन. उनमें से एक हार्मोन है कोलियोसाइटोकाइनिन सीक्रेटिन. Oleocytokinin, secretin, or enterokinase. ठीक है, फुल स्टॉप. तो तीनों हार्मोन याद रखना. ये तीनों हार्मोन क्या करते हैं, ये अगेन फिर से वही डाइजेस्टिव एंजाइम के सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं. कोलियोसाइटोकाइनिन, सीक्रेटिन और एंटरोकाइनेस. ठीक है, अब आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक भाई, क्लियर है? समझ
समझ आ गया सबको? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लार्ज इंटेस्टाइन चलते हैं। तो लार्ज बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे हम लोग। लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एज वेल। देखो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। ये देखो, तो ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें आप देखेंगे कि एक तो ये हमारी पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है। अब इसमें सबसे पहले वाला पार्ट ये होता है अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स पार्ट हो गया। इसको हम लोग कॉलन बोलते हैं। कॉलन क्या होता है? असेंडिंग कॉलन, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जाता है। फिर ट्रांसवर्स कॉलन, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। डिसेंडिंग कॉलन, जो नीचे की तरफ आ रहा है। इसको सिग्मोइड कॉलन, थोड़ा सा जो तिरछा है। और आखिरी पार्ट को रेक्टम बोलते हैं, है ना। तो हो गया रेक्टम। और इसमें इसी के पीछे एक पार्ट और होता है, इसके पीछे, है ना, ये कॉलन के पीछे, उसको हम लोग सीकम कहते हैं। वो एक्चुअली यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसको हम लोग बोलते हैं सीकम। तो यहाँ पर ये पीछे वाला जो पार्ट है, यहाँ पर एक पार्ट है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। सीकम, तो एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है सीकम, तो पहला पार्ट होता है सीकम। दूसरा वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कॉलन। अगेन हमने यहाँ पे देखा कॉलन के तीन पार्ट है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड, चार पार्ट है ना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड पार्ट रेक्टम, है ना। तो रेक्टम वो पार्ट है जो बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन डाइजेशन में बिल्कुल नहीं होता है। इसका मेजर फंक्शन होता है फूड के को जो वेस्ट होता है उसको सॉलिडिफाई करना, और ये जो वाटर होता है उसको रीअब्सॉर्ब करने का काम करता है। सॉल्ट और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन एक्चुअली इसी पार्ट है ना। तो चलिए नोट कीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायमीटर में ज्यादा होती है। नोट करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन इज लार्जर इन डायमीटर, हंस नेम्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन is larger in diameter and is named as large. Next, it is 1.5 meter in length. It is 1.5 meter in length and divided into three part: cecum, colon and rectum. Divided into three part: cecum, colon, and rectum. Next, cecum is pouch-like structure about 66 centimeter in length. Cecum is pouch like structure about 6 centimeter in length. अब देखो सीकम के साथ में ये जो अटैच्ड है ना, ये सीकम की आउटग्रोथ है। सर, कुड यू प्लीज रिपीट द लेंथ?
cecum is it is about 6 centimeter in length. Next, there is outgrowth in cecum called appendix. There is outgrowth in cecum called appendix, which is a. There is outgrowth. There is outgrowth in cecum called appendix, which is a vestigial organ. क्या होते हैं vestigial organ? Which is a vestigial organ? क्या होते हैं? जो like जब evolution हुआ तो previous organs का use अब current organisms में नहीं है develop. Very good, very good, excellent. Yes, vestigial organs वो होते हैं जो कि हमारे ancestors में functional थे, लेकिन जैसे जैसे evolution होता गया वैसे वैसे उनका यूज खत्म होता गया. उसके पीछे बहुत सारे रीजन माने जाते हैं. ऐसा माना जाता है, याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा माना जाता है कि वाइडली इट इज एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट दैट इट यूज्ड टू बी फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर एंड इट्स वर्क वाज टू डाइजेस्ट सेलुलोज. बट ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोगों ने घास फूस खाना बंद कर दिया और सेलुलोज के डाइजेशन का काम खत्म हो गया और हमारा मेन फूड कुछ स्टार्च वगैरह और बाकी चीजें हो गई. तो इसका फंक्शन खत्म हो गया और आज की डेट में नॉन फंक्शन. ठीक है, नोट कर लो. वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोस विच वर फंक्शनल इन आर एंसेस्टर. वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोस विच वर फंक्शनल इन आर एंसेस्टर्स बट नाउ they are useless for us. Full stop. Star bana ke likho. Cecum and appendix are developed in herbivores like rabbit. Cecum and appendix are developed in herbivore like rabbit. Next one. Colon is again divided into four region. आपको पता है कौन-कौन से region? Colon is again divided into four region where ascending colon is shortest part. Next, rectum comprises of last 20 centimeter. Rectum comprises of last 20 centimeter of digestive tract. 20 centimeters of digestive tract. Is it clear? Yes. Okay. अब एक और चीज हमें पढ़ना है कि हमारा पूरा जो digestive tract होता है, मतलब कि ये हमारे esophagus से start होता है और anus में खत्म होता है. इस पूरे को हम लोग digestive tract कहते हैं, है ना? तो या इसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. तो ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा दिखता है, कौन कौन से पार्ट? तो टिश्यूज की स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं. तो हेडिंग डालिए हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ब्रैकेट में लिखना गट, जिसे को हम लोग गट भी कहते हैं. देखो
एक्चुअली इसमें बनाना ही पड़ेगा, चलो मैं बना के बता दूं। देखो ये मैमेलियन मतलब हमारी आपकी गट है, ह्यूमन गट है वैसे। देखो सबसे पहले क्या होता है कि बाहर की तरफ है ना, सबसे जो एक्सटर्नल पार्ट अपार्ट है ना, तो ये आउटर सर्कोसा लॉन्ग मस्कुलरिस। अच्छा देखो अब मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझना है। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कोसा या आउटर सर्कोसा जिसको आप बोल रहे हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। मैं लिखता जाता हूँ यहाँ पे, आउटर सर्कोसा को हम लोग बोलते हैं। पेरिटोनियम का मतलब होता है एक्चुअली एपिथीलियम की बनी हुई एक कवरिंग या लेयर जो जिसका कि फंक्शन प्रोटेक्टिव हो, तो दिस इज कॉल्ड विसरल पेरिटोनियम, इसको हम विसरल पेरिटोनियम है ना, ये तो आउटर लेयर। उसके बाद नीचे वाली ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे ऐसे लेंथ में पड़ी होती है, लंबाई में पड़ी होती है ना, तो इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडनल ऊपर से देखेंगे टीएस में इस तरह से दिखाई देंगे, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अंदर आप देखेंगे इस तरह की जो सर्कुलर पार्ट में सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं, तो ये मसल्स ऐसे लंबी लंबी होती है और ये वाली मसल ऐसे गोल गोल होती है, सर्कुलर मसल होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, इन लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स को इसको मिला करके, इन दोनों को मिला करके हम लोग कहते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलरिस बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग मिला करके मस्कुलरिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सब म्यूकोसा, कामया ये रहा। तो इसके नीचे देखेंगे तो पहले पहले ये लेयर हो गए, मैं एक एक में नंबर डालता जाऊंगा, ये आउटर म्यूकोसा हो गई है ना, फिर ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर हो गई, तीसरी सर्कुलर मसल हो गई, अब चौथी जो लेयर आपको पाई ये आपको अंदर दिखाई दे रही, इसको हम लोग बोलते हैं सब म्यूकोसा, है ना। सब म्यूकोसा जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू की मिलकर के बनी होती है। सब म्यूकोसा के नीचे आप देख पा रहे होंगे कि मस्कुलरिस म्यूकोसा आपको दिखाई दे रही है ना, तो ये दूसरी हो गई, फिर चौथे के बाद ये पांचवी मस्कुलरिस म्यूकोसा हो गई। मस्कुलरिस म्यूकोसा के अंदर आप दिखा देख रहे होंगे यहाँ पर म्यूकोसा पाई जाती है ना, सिक्स हो गई, ये म्यूकोसा पाई जाती है, अंदर म्यूकोस वाली लेयर पाई जाती है, ठीक है। इसको मिला करके हम लोग म्यूकोसा कहते हैं, चारों को इन तीनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं, है ना। मस्कुलरिस म्यूकोसा, म्यूकोसा इसको नहीं, दोनों को इसको मिला करके हम लोग म्यूकोसा नॉर्मली कहते हैं, म्यूकोसा। और म्यूकोसा के ऊपर वाली लेयर सब म्यूकोसा। अब देखो अंदर वाली जो लेयर ही दिखाई दे रही है इसको हम लोग विलाई कहते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और विलाई के अंदर ही देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कुछ जो ये ग्लैंड्स पाई जाती है ना,
और सब क्यू समय इन ये ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के विनाई के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती है, ग्लैंड में ग्लैंड वाले पार्ट में पड़ा होगा। यहाँ पर दो चीजें मिसिंग है जो कि मैं डायग्राम में मैं बना रहा हूँ, है ना, तो मैं आपको बना के बताता हूँ, ट्राई करते हैं बना के बताने के। तो देखो मैं रेड कलर से बना नहीं, ग्रीन से बनाता हूँ, ग्रीन से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहां पर आप देखेंगे कि कहां पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के नीचे, के नीचे यहां पर जस्ट साथ साथ यहां पर जो मैं ग्रीन ग्रीन बना रहा हूं ना, इस तरह का एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है, इस तरह से। ये एक्चुअली न्यूरॉन्स की बनी हुई एक रिंग होती है। ये काम क्या करते हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को कंट्रोल करने का काम, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बैक प्लेक्सस, बोलते हैं ऑर्बैक प्लेक्सस, क्या कहते हैं, AUERBACHS, ऑर्बैक, ऑर्बैक्स प्लेक्सस। तो ये आउटर वाले पार्ट को कंट्रोल करने का काम करती है। दूसरी होती है मिजनर प्लेक्सस, मिजनर प्लेक्सस जो होती है ये जो रिंग है ना, इस रिंग के नीचे यहां पे पाई जाती है, ये जो पाई जाती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मिजनर प्लेक्सस, MEISSNERS, मिजनर प्लेक्सस। तो ऑर्बैक प्लेक्सस और मिजनर प्लेक्सस, ये दो लेयर पाई जाती है न्यूरॉन्स की बनी हुई लेयर, ठीक है। डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको क्लियर डायग्राम नहीं मिलेगा, आपके एनसीईआरटी जो बना है बहुत अच्छा नहीं, ठीक है। और कुछ पॉइंट नोट करिए, विसरल बुलेट के फॉर्म में नोट करते हो, विसरल पेरिटोनियम इज प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ एपिथेलियम, नेक्स्ट पॉइंट, मस्कुलरिस इज कंपोज्ड ऑफ आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर, मस्कुलरिस इज कंपोज्ड ऑफ आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर लेयर, इसी में लिखेंगे फुल स्टॉप। देयर इज अ नर्व सेल कॉल्ड, देयर इज अ नर्व सेल कॉल्ड ऑर्बैक प्लेक्सस, which controls peristalsis, or back plexus, which control peristalsis. क्या होता है, क्या होता है peristalsis? अरे movement of fluid travels. हाँ, very good. Movement of gut or movement in intestine due to which food travel from or food is propelled forward. राइट, जिसकी वजह से इसमें मसल्स फैलती है, गट और सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता है, जिससे फूड को आगे की तरफ पुश किया जाता है ना, इसी से खाना हमारा आगे से पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, आपको किसी भी चीज़ से कोई चीज़ गंदी लगी और मूवमेंट अपोजिट हो गया, आपको वोमिटिंग आ गई, और क्या होता है, वोमिटिंग ऐसी आती है ना। नेक्स्ट, सब म्यूकोसा is made up of
लूज कनेक्टिव टिश्यू, आप इसको अंडरलाइन करेंगे जो मैं बता रहा हूं, इट इज रिच इन ब्लड सप्लाई एंड लिम्फ वेसल्स, फुल स्टॉप, इसी में लिखेंगे. इट कंटेन अनदर नर्व, Mesner's plexus, which control secretion of intestinal juice. Bracket mein enzyme. Next point. Innermost layer is called mucosa. Which contain foldings called villi. Full stop. It is made up of smooth muscles and loose connective tissue. It also contain glands for secretion. So this was all about the morphology and anatomy of human digestive system. कोई doubt बताइए? और back plexus और Mesner plexus दोनों के जो function हैं, ये पूछे हुए questions हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये भी याद रखिएगा, ठीक है? Function क्या है और कहाँ पाए जाते हैं आपको याद रखना है. ये diagram भी आप याद रखिएगा. बताओ भाई किसी को कोई doubt तो बताओ. सबको सब कुछ समझ में आ गया जो हमने आज पढ़ा. नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड और डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कुल मिलाकर. तो अभी तक हमने स्ट्रक्चरल पार्ट पढ़ा, एनाटॉमी पढ़ी और मसल्स कैसे कैसे ह्यूमंस की फंक्शन करती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं, है ना. तो हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन. ये हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे. कोई डाउट हो तो बताइए. नो सर. चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? थैंक यू सर. ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर. वेलकम बेटा. थैंक यू सर. वेलकम.